बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज का मेरा व्लॉग है सियालकोट जंक्शन से लाहौर जंक्शन तक का आज का मेरा व्लॉग्स है। और मेरे यूट्यूब में जो सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है कि मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता हूं, लेकिन जो नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स वगैरह कैसे लगते हैं। और आने वाले वक्त में हम आपको और ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह दिखाएँगे और आज के व्लॉग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आज का लाहौर जंक्शन सियालकोट जंक्शन से लाहौर जंक्शन तक का ब्लॉग है। थैंक यू, चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हम यहां से निकल चुके हैं सियालकोट से, और लाहौर की तरफ से इलामा इकबाल एक्सप्रेस का चलना स्टार्ट हो चुका है। और आप देखें यहां से हम निकल रहे हैं, ये अभी आवाम अभी ट्रेन चलने चलना स्टार्ट हुई है, तो अभी आवाम को याद आया है कि अभी हमने बैठना है यहां पर, तो अब इंजॉय करें रेलवे ट्रैक को। एक बात आपको मैं बताता चलूँ, वैसे तो सियालकोट से लाहौर तक का जो ट्रैक होता है ना इलामा इकबाल एक्सप्रेस का, वो थोड़ा सा स्लो स्लो होता है, और यहाँ पर ट्रेन थोड़ा अपने मुसाफिरों पर ड्रांस भी कराती है। मैं आपको बताता चलूँ, और मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, आप थोड़ा सा रेलवे का ट्रैक इंजॉय करें, लेकिन हर जगह की आपको मैं अपडेट्स वगैरह बताता रहूँगा। थैंक यू।
दोस्तों आपने देखा किस तरह से अभी एक दरख्त की टहनी हमें लगी थी, यहाँ से मेरा मोबाइल गिरते गिरते बचा था। और इतना शुक्र है अल्लाह का कि मेरा मोबाइल गिरा नहीं है, अगर गिर जाता तो मेरा सारा व्लॉग ख़राब हो सकता था। और यहाँ से मेरा मोबाइल गिरते गिरते बचा था। सही कहा लिया हो गया दोस्तों रेलवे में मेरा सबसे फेवरेट सीन यही होता है जब भी ट्रेन अपने ट्रैक में मोड़ काट रही होती है आगे से, और सबसे मज़े का यही सीन होता है। तकरीबन सब लोग इस मंजर को देख के अपने अपने कैमरे ऑन करते हैं और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और कमेंट्स में आप भी ज़रूर बताना, जो ट्रैक करते रहते हैं उनको मुझे ज़रूर बताएं, उनको रेलवे में सबसे अच्छा सीन कौन सा अच्छा लगता है वो मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट में।
इस वक्त दोस्तों हम नारोवल जंक्शन में पहुंच चुके हैं। नारोवल जंक्शन को इन्होंने बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना दिया है। अंत करीब ये बहुत बड़ा जंक्शन बनने वाला है, सियालकोट से भी बेहतर जंक्शन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स वगैरह निकलते हैं। तो अभी आगे आगे देखें, ये ट्रैक देख मुझे बहुत खुशी होती है जब से इन्होंने नारोवल की ट्रीटमेंट करनी स्टार्ट की है। अनस आ जाओ, ट्रेन चलने लगी है, जाने दो, ओ पागल है, इधर ही रह जाओगे, आ जाओ। यहाँ पे मैं टिकटॉक बनाने के लिए नीचे उतरा था, लेकिन मेरे दोस्त ने जिद लगा दी नहीं बनाने को। शाहदरा जंक्शन में पहुंच चुके हैं। पहले हमने सोचा था कि हम इधर ही उतरते हैं, लेकिन मुझे अपने ब्लॉग्स की वजह से थोड़ा सा मेन लाहौर जंक्शन तक जाना पड़ा। यहाँ से वैसे हमारा घर करीब था, लेकिन मैंने अपने दोस्त से यहाँ पे मैंने ज़िद लगा दी कि नहीं, मैंने पूरा ब्लॉग भी बनाना है। तो चलें देखें अब इसके बाद आगे का सीन क्या है। और यहाँ पे हम दरियाए रावी के पुल के पास पहुँच चुके हैं। देखें कितना खूबसूरत मंजर है, भैंसे किस तरह नहा रही हैं दरियाए रावी के पुल में। ये भी मेरा फेवरेट सीन था, जब भी गाड़ी किसी भी पुल से ट्रैक करती है मुझे ये भी बहुत पसंद है। मैं अक्सर दरवाजे के पास आकर ये वीडियो बनाता हूँ, है तो ख़तरनाक, लेकिन ये आपको ट्राई मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ध्यान से वीडियो बनानी पड़ती है यहाँ से। और ये इंजॉय करें, आप देखें ट्रैक साउंड, देखें यहाँ का।
और फाइनली हम लाहौर जंक्शन में पहुंच चुके हैं और अपनी इस्लामिक बाद एक्सप्रेस को हम गुड बाय कहते हुए जो अब कराची जाने के लिए रवाना हो चुकी है यहाँ से। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको पसंद आई ये वीडियो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी मेरे लिए तो ये वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और आने वाले वक्त में हम आपको कराची जंक्शन का भी व्लॉग दिखाएंगे और रोड़ी जंक्शन का भी व्लॉग दिखाने वाले हैं। और ये अभी आप लाहौर स्टेशन देखें, हम लाहौर स्टेशन में खड़े हैं इस वक्त और अब हम यहाँ से घर की तरफ जाने वाले हैं। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हम लाहौर में पहुंच चुके हैं और आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स में। और नए आने वाले सब्सक्राइबर को मैं अभी भी कहूँगा सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरा ये वाला व्लॉग्स कैसा लगा। इस व्लॉग्स का लाजमी कमेंट करें। थैंक यू।